मैं आपको ऐलान बलूचिस्तान की तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ, लेकिन इस जो अब जो है बलूचिस्तान एक ऐसी मुसीबत में घिरा हुआ है, एक खुदा का आजाब है इस वक्त इस दर्द में आप जो बलूचिस्तान कर रहे हैं ना, ये आप बलूचिस्तान के लोगों का दिल जीत रहे हैं। पिछले 70 सालों से जो हम पर काबिज टोला है, कभी तब्दीली के नाम पे हम पे काबिज होता है, कभी जो के जागीरदारा निजाम पे हम पे काबिज होता है, कभी जो है रोटी कपड़ा मकान पे नारे पे काबिज होता है हमारे ऊपर, कभी जो है ना हमारे ऊपर काबिज होता है तो वोट को इज्जत दो, लेकिन बदकिस्मती से उसने 70 सालों से बलूचिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। आप एक वाहिद लीडर है, मेरा ताल्लुक आपकी जमाई से नहीं है, लेकिन मैं आपसे इतना मुतमैन हूँ, इतना बेहद मुतमैन हूँ, लेकिन मैं आपको इस वक्त ऐलान बलूचिस्तान की तरफ से अप्रिशिएट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ आप बलूचिस्तान के जरूर कुछ करेंगे। मेरा ताल्लुक उमरानी कबीले से है, उमरानी कबीले मैं बलोच बदकिस्मती से मेरा ऐसे डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक है जहाँ के यहाँ के हुक्मरान जो है ना सेनेट के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वजीर आजम पाकिस्तान के भी रह चुके हैं। बदकिस्मती से आप हमारी हालत देख रहे हैं, हमारे माए बहने हमारे बच्चे सड़कों पे जमी हो रहे हैं 15 दिन से, लेकिन ये हुक्मरान ठग से मच नहीं रहे। जो आज हमारे बच्चे यहाँ पे जलील हो रहे हैं, मैं खुदा से खुदावन से ये दुआ मांग रहा हूँ, अल्लाह ताला इन हुक्मरानों के बच्चे जलील करेगा।